नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टॉकीज वाला। आ गया हूं आपके लिए टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 का अपडेट के साथ। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। फिल्म 12 नवंबर को रिलीज हुई थी और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। सलमान खान और कैटरीना कैफ का एक्शन और इमरान हाशमी का रोल फैन को जच रहे हैं। ऐसे में टाइगर 3 का हर रोज धमाकेदार कमाई कर रही है। टाइगर 3 ने पहले दिन 44 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 59 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं अब तीसरे दिन का कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं। सैक्टनल की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर 3 ने तीसरे दिन 42 करोड़ 50 रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ अब फिल्म के तीनों दिन के कलेक्शन कुल मिलाकर 146 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो आपने अब आप में ही बहुत ही दमदार और सॉलिड कमाई है। बॉस बता दे कि सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर 3 का फैंस को बड़े लंबी समय से इंतजार था। यह इस साल की मोस्ट अवेटेड सीक्वल में से एक थी। फिल्म दिवाली पर रिलीज हुई और इसने दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां तक कि बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 ने महज 2 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और वही मैं बात करूँ स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट इसमें बहुत ही सॉलिड और दमदार है। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी टाइगर 3 यशराज स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इससे पहले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है भी रिलीज हो चुकी है। टाइगर 3 के स्टार कास्ट की बात करें तो जहां सलमान खान एक बार फिर अविनाश सिंह राठौर के किरदार में नजर आए हैं, तो वहीं कैटरीना कैफ ने भी जोया के रोल के साथ वापसी किया है। इसके अलावा इमरान हाशमी विलन का खूंखार रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने यह मूवी देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिल्म मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।